पर एलेक्स उसकी बात ना मान के कहता है कि लड़ाई तो होगी और वो भी जल्द ही। जिसपे जिया पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, जिसपे एलेक्स कहता है कि मैं प्रैक्टिस करूंगा और उसे हरा दूंगा। ये सुन के जिया बोलती है कि ये क्या बकवास प्लान है। तो एलेक्स कहता है कि तुम्हें चाहे ये कितना भी बकवास लगे पर मैं इसकी मदद से जीतूंगा। ये सुन के जिया मुस्कुराने लगती है। तभी एलेक्स कहता है कि चिंता मत करो, मैं बिना सब कुछ जाने कोई बेवकूफ भरा कदम नहीं उठाऊंगा। इसके बाद एलेक्स जिया से कहता है कि चलो पहले खाना खा लेते हैं। ये सुन के वो सभी सैनिक एलेक्स से और फिश पकड़ने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिसपे एलेक्स कहता है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी कल्टीवेशन पूरा किया है। ये सुन के उनमें से एक सैनिक हड्डियों के चूरे वाला बर्तन फिश पूल में गिरा देता है, जिसकी वजह से फिश फिर से ऊपर आ जाती है और वो लोग उन्हें पकड़ के पका लेते हैं। जहाँ जिया उस खाने को टेस्टी बनाने के लिए उसमें और भी चीजें डाल देती है, जिसे खाने के बाद वो सैनिक और एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब खाने के बाद एलेक्स उस डिवाइन सब्सटेंस से बनाया हुआ लिक्विड जिया को देता है ताकि वो उससे कल्टीवेट कर सके, क्योंकि एलेक्स ने अभी अभी कल्टीवेट किया था। तो जिया वो लिक्विड ले लेती है। इसके बाद एलेक्स जिया से पूछता है कि क्या फॉल्स गॉड वर्ल्ड में जाना पॉसिबल है, जिसपे जिया कहती है कि हाँ ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, मेरे कई लोगों ने ऐसा किया है। अब एलेक्स ये बात सुन के उस वर्ल्ड में पहुंच जाता है और डेविड की जगह पे अटैक करता है और बोलता है कि डेविड तुम कहाँ पे हो। जिसके बाद उसे डेविड की आवाज आती है जो उससे कहता है कि छोटे भाई हमें मिले हुए बहुत साल हो गए तो तुम कैसे हो। जिसपे एलेक्स कहता है कि तुम अपने बारे में सोचो, मैंने तुम्हारे लोगों का बहुत नुकसान किया है और मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे हो। जिसपे डेविड कहता है कि मैं तुम्हारा मिंग वैंगजीन जगह पे वेट कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें खुद को ग्रो करने का पूरा टाइम देता हूँ। ये सुन के एलेक्स बहुत सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने लगता है ताकि डेविड समझ जाए कि एलेक्स उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। इधर ये देखकर डेविड को लगता है कि एलेक्स उससे लड़ने के लिए बहुत उत्सुक है। इस तरफ एलेक्स बड़े बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने के साथ साथ डेविड की जगह को भी तबाह कर रहा था। तभी उसे डेविड का मैसेज दिखता है जो लड़ाई के लिए मान गया था, जिसे देखने पे एलेक्स कहता है कि मैं आ रहा हूँ अपना पुराना हिसाब चुकता करने। इसके बाद एलेक्स गोल्डन विंग्स की मदद से डेविड की बताई लोकेशन पे पहुंच जाता है और उस जगह को भी तोड़ना स्टार्ट कर देता है ताकि डेविड जल्दी से वहां आ जाए। पर उस जगह को टूटता देख कुछ लोग आकर बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एलेक्स उनकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है, जहां उसे एक बहुत बड़ी स्पाइडर बीज दिखती है जो एलेक्स पे अटैक करती है, पर एलेक्स को उससे कुछ नहीं होता। जिसके बाद एलेक्स अपना हैंड आर्मर एक्टिवेट करके उस स्पाइडर बीज के अटैक से बचते हुए उसे नीचे और ऊपर से बहुत तेज तेज मुक्का मारता है, जिसके तुरंत बाद वहां तीन और स्पाइडर बीज आ जाती है और मिलके एलेक्स पे अटैक करती है। लेकिन एलेक्स बड़ी ही आसानी से उन तीनों को हरा देता है और आगे बढ़ जाता है, जहाँ थोड़ा आगे जाने पे एक पोर्टल की मदद से डेविड आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि तुम बहुत बुरे हो। जिसपे एलेक्स कहता है कि तुम यहाँ वापस नहीं आए, क्या तुम्हें डर लगता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो डेविड बोलता है कि इतने साल हो गए पर तुम अभी भी एक यूजलेस इंसान हो, तुमने तो अभी तक इंक्रिप्शन स्वॉर्ड लेवल भी पार नहीं किया है। उसी वक्त वहाँ पे वो फाइट देखने के लिए जेसिका, फॉक्स कल और कुछ और लोग भी आ जाते हैं। इधर डेविड एलेक्स से कहता है कि मैं इतने सालों से तुम्हारे ताकतवर होने का वेट कर रहा था। जिसपे एलेक्स कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम पे रहम जरूर करूंगा और वैसे भी तुम्हारे पास तो मेरी वो सुप्रीम बोन तो है ही। ये सुन के डेविड कहता है कि वो सुप्रीम बोन इतनी भी ताकतवर नहीं है जितना अब मैं बन चुका हूँ। तो एलेक्स कहता है कि तुम्हें वो सुप्रीम बोन पाने की खुशी में मुझे थैंक्स तो जरूर बोलना चाहिए। ये सुन के डेविड कहता है कि चलो मैं तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ, और ये कहते हुए डेविड अपनी आई से एलेक्स को मारने के लिए एनर्जी छोड़ता है। तो एलेक्स भी अपने बचाव में एनर्जी बीम निकालता है, लेकिन डेविड के पास खास आई थी जिसकी वजह से वो एलेक्स पे भारी पड़ रहा था, पर एलेक्स एक ट्रेजर की मदद से उसके अटैक को खत्म कर देता है। जिसके बाद डेविड कहता है कि भाई तुम अभी भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि मैंने तो अभी एक मामूली सा अटैक किया था और अपना खतरनाक रूप तो अभी दिखाया ही नहीं। जिसपे एलेक्स कहता है कि तुम जैसे केचुए भी ताकतवर होने लग गए। तो डेविड बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो दिखाओ तुम्हारे पास कितनी ताकत है। ये सुन के एलेक्स अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके एक ट्रेजर बाहर निकालता है और उसकी मदद से डेविड पे वार करता है, पर डेविड बड़ी ही आसानी से उस ट्रेजर को खत्म कर देता है और एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम मेरे ये अटैक झेल पाओगे। इसके बाद डेविड बहुत सारी स्पिरिट बॉल्स बना के एलेक्स पे अटैक करता है, पर एलेक्स अपनी सुपर स्पीड की मदद से उससे बच जाता है और डेविड पे वार करता है। तो डेविड भी उसका सामना करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।